ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 4 ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। लास्ट क्लास में हमने रिलेशन पढ़ा था बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एंड वी ऑल्सो ड्रू द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको हुक्स लॉ पढ़ाया था। हुक्स लॉ क्या था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था तो हमें कॉन्स्टेंट मिला था ई। ठीक है, जिसको हमने बोला था कि दिस कॉन्स्टेंट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मैंने थोड़ा सा जिस्ट दिया था, बट आज हम ई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो जैसे हमने स्ट्रेन और स्ट्रेस पढ़ा, वो तीन चीज़ों पे के अकॉर्डिंग डिफर कर सकता था। वन वाज शेप, द अदर वाज लेंथ, और थर्ड वाज वॉल्यूम। तो जब आपकी स्ट्रेस और स्ट्रेन तीन तरीके के होते हैं, तो उनसे जो कॉन्स्टेंट निकलेगा वो भी तो तीन तरीके का होगा, राइट? तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला है यंग्स मॉड्यूलस, जिसका सिंबल इज वाई। द सेकंड इज बल्क मॉड्यूलस, जिसका सिंबल इज के। एंड थर्ड इज शियर मॉड्यूलस, जिसका सिंबल इज जी। अब लास्ट क्लास में हो सकता है मैंने आपको सिंबल अलग बताया हो, बट दीज सिंबल्स आर यूज्ड इन द एनसीईआरटी, तो हम यही फॉलो करेंगे। ऑलराइट, यंग्स का वाई, बल्क का के, एंड शियर का जी। ऑलराइट, फर्स्ट इज यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस इज रिलेटेड टू लेंथ। ठीक है, मतलब जब लेंथ के रिलेटेड स्ट्रेस होगा और लेंथ से रिलेटेड स्ट्रेन होगा, तो तब जो कांस्टेंट आएगा पिक्चर में, दैट विल बी यंग्स मॉड्यूलस। ओके, सो इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये लिखना इंपॉर्टेंट है, वाई? बिकॉज वी न्यू कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कब हो रहा था। ये हुक्स लॉ जब हमने कर्व ड्रॉ किया था, तो एक स्ट्रेट लाइन आई थी, फिर इस तरीके से आया था। तो सिर्फ ये जो पॉइंट था, जिसको पॉइंट पी बोला था, दैट वाज योर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और यहीं पर हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हम ये कांस्टेंट निकालेंगे, वो भी इधर तक ही होगा। तो ये मेंशन करना होगा कि विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यू गेट द यंग्स मॉड्यूलस टू बी नॉर्मल स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, अब देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन। लॉन्जिट्यूडनल लिखा आ गया, मतलब देयर विल बी चेंज इन लेंथ। ऑलराइट, तो एफ बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको रीअरेंज किया तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ओके, अब खुद सोचो इसकी यूनिट क्या होगी। देखो यूनिट ऊपर है स्ट्रेस, नीचे है स्ट्रेन। स्ट्रेन तो यूनिट लेस होता है, तो इसका यूनिट भी वही होगा जो स्ट्रेस का होता है। ठीक है, तो यूनिट इज सेम एज स्ट्रेस, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखो अब हम एक नॉर्मल फॉर्मूला कर लेते हैं। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ वायर ऑफ रेडियस आर बाय हैंगिंग अ वेट ऑफ मास एम, देन आपने क्या किया है, एक वायर है जिसका रेडियस आर है, उस पर एक मास एम नीचे टांग दिया। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यंग्स मॉड्यूलस। वी नो दैट यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ जो इसमें स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, ये जो फोर्स है वो किसकी वजह से लग रहा होगा, इस वेट की वजह से। तो मैं फोर्स के लिए लिख सकती हूँ एमजी, फोर्स के लिए आगे एमजी अपॉन एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो चेंज आएगा वो तो आएगा डेल्टा एल अपॉन एल, वो लिख दिया। ठीक है, सो दिस द फॉर्मूला कैन बी ट्रांसफॉर्म टू दिस, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, वेयर एम इज द मास। ओके, मास ऑफ द ब्लॉक यू हैव अटैच टू द वायर, जी स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेंथ इज द लेंथ ऑफ द वायर। ओके, एंड आर इज रेडियस ऑफ द वायर। ओके, सो वील डू वन क्वेश्चन। अ स्टील रॉड हैज रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर। ठीक है, 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ। कैलकुलेट स्ट्रेस, इलोंगेशन, स्ट्रेन इफ द यंग्स मॉड्यूलस इज गिवन। ओके, तो अब क्या करना है, डायरेक्टली बस फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है, बस जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको आपको SI यूनिट में चेंज करना है। ओके, तो आपको क्या क्या गिवन है, रेडियस 10 मिलीमीटर है, इसका मतलब 10 into 10 to the power minus 3 मीटर्स, यानी 10 to the power minus 2 मीटर। लेंथ इज 1 मीटर। फोर्स आपको गिवन है 100 किलो न्यूटन, सो 10 to the power 5 न्यूटन। ओके, आपको चाहिए फोर्स, सॉरी स्ट्रेस चाहिए पहले, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया इज पाई आर स्क्वायर, फोर्स गिवन था 10 to the power 5, एरिया निकाल दिया, तो इसका आंसर आता है 3.18 into 10 to the power 8। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट में आपको निकालना था इलोंगेशन, मतलब डेल्टा एल. डेल्टा एल निकालना है आपको. तो देखो, सबसे पहले हमें पता है यंग्स मॉडुलस है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ओके, यंग्स मॉडुलस पता है, स्ट्रेस अभी आपने निकाला. स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल. इट इज डेल्टा एल अपॉन एल, राइट? तो सारी चीज़ें तो आपके पास गिवेन है, आपको बस डेल्टा एल फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, डेल्टा एल आएगा आपका 1.59 मिलीमीटर्स. ऑलराइट, स्ट्रेन कैसे निकालोगे? डेल्टा एल अपॉन एल. डेल्टा एल अभी ऊपर निकाला, एल पता है, जब रखोगे उसको तो 1.59 मिलीमीटर. तो ये खुद सॉल्व करके देखना है. आई जस्ट टोल्ड यू कि कैसे करना है, ठीक है? द नेक्स्ट इज बल्क मॉड्यूलस. अब देखो, नाम से पता चला है बल्क, मतलब जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा इसमें वो कौन सा होगा. बल्क, बल्क रिलेटेड कौन सा था? वॉल्यूम. ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम में चेंज आएगा. ऑलराइट, सो देखो, व्हेन अ सॉलिड और फ्लूइड इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर ऑल ओवर द सर्फेस सच दैट द शेप रिमेन्स द सेम बट देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम. बल्क में यही तो होता था कि वॉल्यूम चेंज होता था और शेप चेंज नहीं होती. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ठीक है, जब भी हम ये बल्क मॉड्यूलस में जो स्ट्रेस अप्लाई होता है, जो प्रेशर अप्लाई होता है, इट इज़ नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल रहता है टू द सर्फेस. तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन जो स्ट्रेन आएगा, चेंज इन डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम में आएगा, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ओके, तो हो गया एफ बाय ए, और चेंज कितना हो गया वॉल्यूम में? डेल वी बाय वी. अब ये नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है दैट विद इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस. आप कभी भी किसी भी बलून पे सपोज फोर्स लगा रहे हो, अंदर वाटर है, तो क्या होगा? उसका जो वॉल्यूम है वो ऑब्वियसली कम होगा ना. किसी पर भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हो इस तरीके से, तो वॉल्यूम कम होगा, इसलिए नेगेटिव साइन. समझ आ गई बात? ठीक है, इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं. द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर. कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी अपॉन वी ऑफ वाटर एट बॉटम ऑफ द ओशन. बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज दिस. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? फ्रैक्शनल कंप्रेशन कैलकुलेट करना है. इसने बता रखा है दैट फ्रैक्शनल कंप्रेशन इज डेल्टा वी अपॉन वी. नहीं भी बता रखा हो, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि फ्रैक्शनल कंप्रेशन क्या होता है. इट इज डेल्टा वी अपॉन वी. ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 3000 कॉलम ऑफ वाटर ऑन द बॉटम लेयर इज गिवन बाय एच रो जी. अब ये जो फॉर्मूला है वो आपको शायद नहीं आता होगा, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में. एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर कि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है जब कोई वाटर कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, दैट इज एच रो जी, जहाँ पे एच इज द हाइट ऑफ द कॉलम, रो इज द डेंसिटी एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अब ये जो फ्लूइड है दैट इज वाटर, तो वाटर में आपको जो रो है, द डेंसिटी, इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. ऑलराइट, तो जब इसे सॉल्व करोगे, आपको हाइट गिवन थी 3000, ये 1000, जी की वैल्यू 10, तो जो प्रेशर आया वो आया 3×10⁻¹. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? यू नीड टू कैलकुलेट फ्रैक्शनल कंप्रेशन, दैट इज डेल्टा वी बाय वी. नाउ वी नो दैट बल्क मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, और स्ट्रेन कौन सा आएगा? डेल्टा वी अपॉन वी. तो इधर देखो, बल्क मॉड्यूलस गिवन है, स्ट्रेस गिवन है, ये निकाल सकते हो. स्ट्रेस क्या होगा? जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है बाहर से, उतना ही अंदर से स्ट्रेस आ रहा होगा ना, तो न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होंगे. तो इस प्रेशर की जगह हमने लिख दिया स्ट्रेस अपॉन बी. सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर टू बी 1.36×10⁻². ठीक है, सो दिस विल गिव यू व्हाट? डेल्टा वी बाय वी. ऑब्वियसली इट विल हैव नो यूनिट. ठीक है, द थर्ड एंड लास्ट इज शियर मॉड्यूलस, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. इसका सिंबल इज जी. ठीक है, अगेन विद इन लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इंपॉर्टेंट टू मैंशन, द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. ठीक है, शियरिंग स्ट्रेन अपॉन शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन. टेंजेंशियल बोलो या शियरिंग बोलो, एक ही बात. ठीक है, तो बेसिकली शियरिंग स्ट्रेस क्या होगा? एफ बाई ए होगा. शियरिंग स्ट्रेन, आई टोल्ड यू दिस इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, दिस इज योर डेल्टा एक्स, दिस इज योर ओरिजिनल लेंथ एल. तो स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन एल, विच इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा. ओके, वी नो दैट टैन थीटा आता है डेल्टा एक्स बाय एल, बट फॉर स्मॉल थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसलिए वी कैन राइट दैट थीटा इज डेल्टा एक्स बाय एल. अगर ये सब याद नहीं है, देन गो टू द प्रीवियस लेक्चर, उधर वापस से देखो, एंड देन कम बैक योर. ओके, सो शियरिंग स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, शियरिंग स्ट्रेन इज डेल्टा एक्स बाय एल, विच कैन बी रिटन एज थीटा. तो बेसिकली जो आपका जी आ गया वो क्या आ गया? एफ अपॉन ए थीटा. क्लियर है ये चीज़? ठीक है,
तो एक न्यूमेरिकल इस पे भी कर लेते हैं हम लोग. अ स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर सब्जेक्टेड टू अ शियरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो सर्फेस ऑफ 9×10⁴ न्यूटन. The lower edge is fixed on the floor. How much will the upper edge be displaced if g of lead is this? ठीक है, इस तरीके से एक slab है जिसका जो below जो surface है that is fixed और ऊपर वाले पे क्या लग रहा है, tangential force लग रहा है. तो what you need to calculate? You need to calculate the displacement. Displacement क्या होता है? Delta x, मतलब आपको delta x निकालना है basically. ठीक है, इस तरीके से आपको ब्लॉक गिवन है. ठीक है, ऊपर वाला इस यहाँ पर जो नैरो सरफेस है वहाँ पर फोर्स लग रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर चेंज आएगा, इस तरीके से चेंज आएगा. ओके, सो द एरिया ऑफ फेस विच इज पैरेलल टू द फोर्स अप्लाइड इज दिस. मैंने बताया एरिया कौन सा लेते हो, वो फेस का एरिया लेते हो, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है. तो फोर्स अप्लाई हो रही है यहाँ पर 15×10, उसका एरिया हो गया. मीटर में कन्वर्ट करोगे आंसर आएगा 0.05 मीटर स्क्वायर. स्ट्रेस पता है आपको, स्ट्रेस कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, तो इतना आ गया स्ट्रेस. ओके, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डेल्टा एक्स. यू नीड टू कैलकुलेट डेल्टा एक्स. और मुझे पता है डेल्टा एक्स किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेन बेसिकली. किससे? स्ट्रेन, मतलब अगर हमें स्ट्रेन पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, वी नो दैट जी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस है 1.8×10⁶. दिस इज डेल्टा एक्स बाय एल. ओके, अब आपको एल गिविन है. ठीक है, सारी चीज़ें गिवन है, क्या आप फाइंड नहीं कर सकते डेल्टा एक्स? ऑब्वियसली कर सकते हो. तो कितना आंसर आएगा, 1.6×10⁻⁴ मीटर्स, विच कैन बी रिटन एज 0.16 मिलीमीटर. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी.